सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को जो दर्शक जिन दर्शकों की वजह से मेरी पहचान बनी है जलेबी बाई से, सबसे पहले हम गाने से स्टार्ट करते हैं. बिफोर आई टेल यू द माई होल स्टोरी, सो आई विल सिंग फ्यू लाइन्स ऑफ माई सॉन्ग्स. दीवानों ने देख ली, देखी मेरी कारीगरी, जुल्फों से रात मैंने की, चेहरे से चांदनी करी. कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई. नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई. आप सभी को रजिया और जलेबी बाई का प्यार भरा नमस्कार. एमपी से एक बहुत ही स्मॉल विलेज से बिलोंग करती हूँ. एमपी में जबलपुर के पास एक छोटा सा विलेज है, गोपालगंज सिवनी. मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था. और इनफैक्ट मेरे पापा को गाने का बहुत शौक था, तो उनका एक छोटा सा बैंड था गोपालगंज में ही. तो हम लोग उस बैंड में छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे, और जो गणपति एंड दुर्गा उत्सव में जो प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे, तो आई यूज़ टू डू डैट काइंड ऑफ शोज़. एंड गाने की शुरुआत की मैंने 4 साल की उम्र से. और मेरे बुआ के कॉलेज में एक फंक्शन रखा गया था जहाँ मेरे पापा ने भी परफॉर्म किया था, एंड मेरे पूरी फैमिली ने कुछ ना कुछ अपना परफॉर्मेंस दिया था. तो वहाँ से वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था उस कॉलेज गैदरिंग प्रोग्राम में. तो मैंने वहाँ से अपना फर्स्ट, एक होता है ना बच्चा अपना मुंह खोलता है, तो मैंने गाने की शुरुआत की, जीना है तो हंस के जियो, इस गाने से मैंने अपने गाने की शुरुआत की थी. तो उस टाइम पे जब मैंने गाना गाया 4 साल की उम्र में, तो पापा के दोस्तों को भी लगा एंड सबको लगा घर पे कि हाँ, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी सुरीली आवाज़ है. तो मतलब हमारी फैमिली की ये बच्ची तो मतलब बड़े होके कुछ ना कुछ तो ये अचीव करेगी. तो तब से फिर मैंने गाना स्टार्ट कर दिया, और फिर ऐसे ही सिलसिला चलते रहा. और उसके बाद बस हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ. लेकिन वो गाते 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 कब एम बन गया मुझे भी पता नहीं चला. एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर. बॉम्बे में जाके कभी कभी तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता था कि इतना कंपटीशन है, इतने टैलेंटेड लोग वहाँ पे, हर एक दिन इतना कंपटीशन है. तो कहीं ना कहीं एक डर था, लेकिन मेरे पापा को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर और सबको घर में इनफैक्ट, क्योंकि सबने बहुत सपोर्ट किया है. मैंने ट्रेनिंग फॉर्मल बेसिस पे ली है, और इनफैक्ट मेरे 4 गुरुजी हैं. फर्स्ट शिप्राधर मैम, सेकंड देशपांडे सर जी, एंड प्रभाकर धाकड़े जी, अरुणकर सर जी. मैंने इन 4 गुरुओं के पास फॉर्मली बेस पे ट्रेनिंग ली है. मैं एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में मुझे जाके ट्रैवल करके मुझे क्लासेस लेनी पड़ती थी. तो बस थोड़ा बहुत बेसिक जो भी है मैंने सीखा, एंड बाकी मेरे पापा मुझे गाइड करते गए. एंड मैं आई यूज़ टू सिंग लता जी सॉन्ग. गाने का बहुत शौक था, और वो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया करते थे. तो बस बोलना चाहिए कि एक मुझे पापा पापा से भी वो होता है ना, मतलब फैमिली में कोई अगर गाता है तो वो एक ब्लड ब्लड का कनेक्शन होता है. तो वो वहाँ से भी मुझे गाना आया. और कुछ गॉड गिफ्ट, जी हाँ, मैं इंडियन आइडल 2 में थी. इंडियन आइडल 2 में मैंने पार्टिसिपेट किया था. एक्चुअली इंडियन आइडल के बारे में भी मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी. इंडियन आइडल 1 जब आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि एक इंडियन आइडल सोनी पे एक कोई शो आ रहा है. तो क्योंकि मेरे जो विलेज पे वो चैनल नहीं आता था. जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना है तो है जिंदगी, रो रो के आंसू भिगोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना. के गाने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सपोर्ट करते थे. मतलब एवरी डे मैं 2 घंटा तो एटलीस्ट लता जी के सॉन्ग्स गाती थी, 2 घंटा. तो वो एक प्रकार से एक मेरे लिए रियाज भी होता था उनके गानों में, क्योंकि अलग अलग तरीके की बात होती है, इतनी हरकत होती है, और अगर आप उसको कंटिन्यूसली गा लो तो वो एक टाइप का रियाज बन जाता है. तो मैं इनफैक्ट अभी भी लता जी को डेली सुनती हूँ, एंड वो मेरी आइडल है.
इंडियन आइडल 2 में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड इंडियन आइडल जब स्टार्ट हुआ था तो वो सोनी चैनल में आता था, ये भी मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे घर में वो चैनल नहीं आता था, ओनली DD1 हम लोग देखते थे उस टाइम पे। तो मुझे मतलब पापा के किसी दोस्त ने बोला कि सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडियन आइडल एक शो आया है तो आप रितु को उसमें भेजो और वो ऑडिशन अगर देना चाहे तो। मैंने सिर्फ फिर मैं अपने मामा जी के घर पे जहाँ पे सोनी चैनल आता था तो मैं ट्रैवलिंग करके अपने मामा जी के घर पे सिर्फ इंडियन आइडल देखने जाती थी। और फिर मैंने देखा और फिर मैंने नेक्स्ट ईयर ट्राई किया इंडियन आइडल ऑडिशंस जैसे होते हैं, मैंने लखनऊ से ऑडिशन किया और आई गॉट सिलेक्टेड। तो बस सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं बॉम्बे आई सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड राउंड क्लियर किया, थर्ड राउंड क्लियर किया, फोर्थ राउंड, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे लिए इतने बड़े, सबसे पहला स्टेज था जो मेरे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया और काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। और उस टाइम पे मैं काफ़ी डरी डरी रहती थी, मतलब जितना मैं गा सकती थी उतना, एक होता है ना मतलब एक कॉन्शियसनेस थी कहीं ना कहीं मेरे अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है। उसके बाद पियानो राउंड में मैं एलिमिनेट हो गई इंडियन आइडल में। मेरे मेंटर्स थे, मेरे फेवरेट सिंगर सोनू निगम एंड अनु मलिक सर और फराह खान मेरे मेंटर्स थे। और आप हमें बताएंगे कि वो कौन सा गीत था जो आपको मैंने चैम्पियन का एक टाइटल सॉन्ग गाया था जिसमें सोनू जी को मेरा हाई पिच वाला सिंगिंग बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था, तो वो हाई पिच में जब मैंने गाया तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए और मुझे सिलेक्ट किया था। ऐसा है ऐसा चैम्पियन का चैम्पियन, ऐसा कोई दीवाना, ऐसा कोई मस्ताना, ऐसा कोई परवाना, दिल को चुराने वाला, अपना बनाने वाला, जादू जगाने वाला, पत्थर को जो पिघला दे, दिन में तारे दिखला दे, कर दे हर मुश्किल को आसान, है ऐसा चैम्पियन कहा, वेस्टर्न टच हाँ वो नेचुरली है और मैंने वेस्टर्न कहीं सीखा नहीं है, बट मैं सुनिधि चौहान जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मैं उनको काफ़ी सुना करती थी और शकीरा को, तो मैं वो सुन सुन के वो नेचुरली मुझे आता है। इंडियन आइडल के बाद जब मैं एलिमिनेट हो गई थी पियानो राउंड में, फिर मैं वापस चली गई थी क्योंकि मेरे पास कुछ ज़रिया नहीं था बॉम्बे में रहने का। एंड वो भी एक होता था कि सर्वाइव कैसे रहेंगे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं वापस चली गई। उस दौरान मैं अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही थी। सो फिर मुझे सब टीवी से कॉल आई, एक शो आया था सब टीवी पे, फेमैक्स चल उड़िए, तो सब टीवी से कॉल करके किसी ने कहा मुझे, चैनल के कोई मेम्बर थे तो उन्होंने कहा कि आप एक शो आ रहा है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी, सो आप सिर्फ ऑडिशन दे दीजिए जो फाइनल ऑडिशन है। तो मैं फिर से बॉम्बे आ गई क्योंकि इंडियन आइडल के बाद मुझे थोड़ा सा तो भूत लग गया था बॉम्बे आने का और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उस टाइम तो फिर लग रहा था कि अभी कुछ भी हो मुझे बॉम्बे तो जाना ही है। लेकिन जब मैं मतलब इंडियन आइडल जब मैंने नहीं किया था तो उससे पहले मुझे इतना कुछ शाम नहीं था कि मुझे बॉम्बे आना है, प्लेबैक सिंगर बनना है, कहीं ना कहीं मन में था ज़रूर, लेकिन मुझे वही लगता था यार इतने छोटे विलेज से जाऊंगी एंड वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है और पता नहीं मतलब मुझसे अच्छे बहुत बहुत गाने वाले हैं और हर एक दिन वहाँ पे 10,000 सिंगर्स आते हैं चले जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन पापा का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे लेके। तो इंडियन आइडल के, हाँ जी मैं जो बता रही थी, इंडियन आइडल के बाद मैंने फेमैक्स शो जो आया था उसमें पार्टिसिपेट किया और उस शो में मैं टॉप 5 तक पहुँची थी। और वो शो था कि अगर आपको परफॉर्मेंस आती है एंड थोड़ा सा एक्स फैक्टर को लेके था, तो वो शो मैंने किया एंड उसमें मैंने काफ़ी आई थिंक 18-20 एपिसोड्स आई डन दैट टाइम। सो फेमैक्स किया, उसके बाद फिर वही स्टोरी एलिमिनेट होने के बाद क्या करूँ,
फेमैक्स में मुझे एक वोकल टीचर मिली थी, सोम्या राव, जो बहुत अच्छी सिंगर हैं. शी इज़ अ प्लेबैक सिंगर इन दिस इंडस्ट्री. उनका एक गाना भी आया था जो ड्रीम हम बेतकम, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी. सो जब मैं एलिमिनेट होके वापस चली गई, तो एक दिन सडनली, मतलब मैं कुछ बाहर तो ऐसे ही मैं खेल रही थी, मेरा तो वही रहता था, मतलब तो बाहर कुछ मैं ऐसे खड़ी थी, तो मेरे भाई ने बोला कि सौम्या राव का फ़ोन आया था तुम्हारे लैंडलाइन नंबर पे, तो वो तुम्हें पूछ रही थी. तो मैंने कहा वो मुझे क्यों कॉल करेंगी. तो उसके बाद उन्होंने कहा ये नंबर दिया है, तो तुम एक बार सौम्या राव से बात कर लो. तो मैं उस टाइम पे मेरे पापा फ़ोन लॉक करके रखते थे, तो मेरे पास कॉल करने के लिए भी कुछ था नहीं. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि बॉम्बे से किसी का कॉल आया है, मतलब तो कुछ तो होगा. तो फिर मैं पीसीओ होता है, पीसीओ होता है विलेज में, तो मैं पीसीओ गई एंड सौम्या राव को मैंने कॉल किया. तो उन्होंने कहा कि रितु तुम एलिमिनेट तो हो गई, एंड मुझे पता है रियलिटी शोज़ के बाद सब शोज़ कर रहे हैं, तुम वापस चली गई हो, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है, तो तुम फिर भी अगर तुम ट्राई कर सकती हो कुछ भी करके तुम बॉम्बे आ जाओ. और यहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, अगर तुमने नाम सुना होगा, आनंद राजा ने, तो मैंने उनका उन्हें तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई. एंड आनंद जी का नाम तो, मतलब मैं टीवी इतना नहीं देखती थी, लेकिन उनके गाने काफ़ी सुनती रहती थी, इश्क समंदर एंड एंड ऑल. तो मुझे कहा यार ठीक है मैं ट्राई करती हूँ. तो वो एक कॉल जाना उनका, वो एक शायद भगवान की तरफ से कोई जरिया था. मतलब उसके बाद नेक्स्ट वीक ही पैकिंग करके मैं बॉम्बे आ गई अपने भाई के साथ. तो वो एक कॉल जाना सौम्या राव मैम का मेरे लिए एक बहुत बड़ा जरिया था. शायद वो भगवान की तरफ से ही वो हुआ होगा. एंड वो एक कॉल की वजह से मैं बॉम्बे आ गई. और मेरे यहाँ पे मेरे चाचा जी हैं, मतलब ही इज़ नॉट अ रियल चाचा, बट ही इज़ मोर देन रियल. तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. तो मैंने चाचा जी को कहा, ऋषि चाचा जी, कि चाचा जी मैं अगर आपके पास 2 महीना रहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं सिर्फ ट्राई करना चाहती हूँ अपना लक, कुछ होगा तो ठीक है, और मैं देख लूँगी फिर बाद में रहने वहने का मुझे कुछ. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और 2 महीना मैं उनके घर में रही अपने भाई के साथ. और सबसे पहले बॉम्बे में आके मैं आनंद जी से मिली, आनंद राज आनंद से. तो पहले तो उनकी अपॉइंटमेंट ली, कुछ 3-4 हफ्तों तक वो बहुत ज़्यादा बिजी थे. फिर फाइनली 1 मंथ के बाद आनंद जी ने मीटिंग किया और मैं उनसे मिली. उसके बाद उन्हें कुछ अपने गाने सुनाए, तो ही लाइक्ड इट. और बाद में उन्होंने कहा कि देखो तुम ये सब फिल्मी गाने गा रही हो, ये सब चबाए हुए च्युइंगम्स हैं, तो तुम नई कॉम्पोजिशन को कैसे गाती हो मुझे वो देखना है. तो उन्होंने अपनी एक कोई कॉम्पोजिशन थी उनकी, आई थिंक कुछ शालू शालू बोल के कोई गाना बनाया था. तो उन्होंने जैसे ही मुझे सुनाया तो मैंने तुरंत कैच करके वो गाया. तो ही सेड कि हाँ तुम में कुछ बात है, मतलब मुझे लगता है, मतलब क्योंकि आनंद जी ने भी बहुत लोगों को म्यूज़िक इंडस्ट्री में ब्रेक दिया है, और ध्रुवदा को वो लेके आए हैं, और काफ़ी लोगों को. तो उनका श्योरेंस शॉट था कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी. और उसके बाद से आनंद जी के लिए मैंने कुछ स्क्रैचेस गाए. जब भी कोई गाना होता था तो ही यूज़ टू कॉल मी फॉर द सिंगिंग सॉन्ग. और बस ऐसे सिलसिला चलते रहा. उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने लगी. एंड दलेर मेहंदी जी सर, जो फेमैक्स में मेरे मेंटर थे, तो उनके साथ मैंने स्टेज शोज़ किया कुछ, क्योंकि बॉम्बे में पैसा कमाना है. तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया दलेर पाजी ने. उसके बाद मैं छोटे मोटे शो करती रहती थी एवरी डे, अपना पॉकेट मनी चलते रहता था. तो बस ऐसे हुआ. और उसके बाद मैंने शंकर एहसान लॉय, प्रीतम सर, सबका नंबर मैं इधर उधर से खोज रही थी, हाँ मुझे मिल जाए तो मैं सबको फॉलो करती हूँ. तो मैं आनंद जी के स्क्रैचेस तो चल ही रहे थे, और वो मेरा एक प्रकार से एक लर्निंग पॉइंट था. मतलब माइक पे सिंगिंग, स्टेज शोज में गाना एंड माइक पे गाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो मुझे माइक एक्सपीरियंस भी हो रहा था और एक सपोर्ट भी मिल रहा था उनसे. तो फिर बस बॉम्बे में मेरा इस तरीके से स्ट्रगल चालू हुआ. एंड जैसा सब स्ट्रगल करते हैं वैसा मैं भी स्ट्रगल कर रही थी. मैं इंडियन आइडल एंड फेमैक्स से एलिमिनेट होके जब मैं वापस गई, तो मेरे जो
जो घर के लोग हैं एंड पापा के दोस्त हैं एंड सिवनी वाले हैं, सब ने बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छा वेलकम किया, सब बहुत खुश हुए। एंड उनको एक पॉइंट मिल गया था बताने के लिए, एक बात हो गई थी कि हमारे इतनी छोटी जगह से लड़की इंडियन आइडल में आई, तो वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात होती थी, तो सबको बहुत या प्राउड होता है। सो उस टाइम पे मैं आनंद जी के लिए काफ़ी सॉन्ग्स गाती रहती थी और वो मेरी एक प्रैक्टिस बन गई थी। और उसी के बीच मतलब प्रीतम सर से मैं मिलने के लिए बहुत फाइटिंग कर रही थी, या प्रीतम सर से मिलना है, उनके साथ काम करना है, शंकर एहसान लॉय से मिलना है, तो मुझे मेरे सब म्यूज़िक कंपोजर्स माइंड में थे, विशाल शेखर को फॉलो करना है, तो बस वो हर दिन मुझे एक मतलब हर एवरी डे जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा बस यही काम होता था, इधर फ़ोन घुमाना, इधर फ़ोन घुमाना, तो सबके अपॉइंटमेंट। बट प्रीतम सर से भी बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं एंड सभी बिजी रहते हैं, तो फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो एक दिन मैं ऐसे ही लोखंडवाला में घूम रही थी तो वो मुझे दिख गए सीसीडी में सीसीडी में दिखे मुझे प्रीतम सर, तो मैंने मैं उनको जाके एकदम हाई बोला, डायरेक्ट हाय सर आई एम ऋतु। तो उन्होंने एक लुक दिया मुझे और मुझे कहा आई जस्ट टॉक टू यू लेटर। उसके वो फ़ोन पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ 20 मिनट फ़ोन पे बात किया, मैं तब तक वहीं खड़ी रही, मैंने यानी आज तो मिल के ही जाऊँगी तो जब उनकी फ़ोन पे बात ख़त्म हो गई तो वो मुझसे आके मिले और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इंडियन आइडल में देखा है और इंडियन आइडल का वो एपिसोड शायद उन्होंने देखा है मुझे, तो मैं बहुत खुश हुई कि यार एटलीस्ट मुझे जानते हैं। तो फिर मैंने नंबर लिया उनसे और उन्होंने मेरा नंबर लिया। उसके बाद कुछ 2-3 महीने के बाद उन्होंने एक शो में बुलाया मुझे, उनका शो था दिल्ली में, वो दिल्ली में, उस शो से प्रीतम सर के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो शो बहुत लकी रहा। उस टाइम पे मैं यश खाए गाती थी क्योंकि मेरे पास कोई गाने नहीं थे, तो मैं प्रीतम सर के जो भी कॉन्सर्ट होते हैं तो हम उनके ही गाने गाते हैं, तो मैं यश खाए गाती थी और इट्स रॉकिंग, दो गाना। एंड फिर प्रीतम सर से तो मिल ली, उसके बाद फिर बस मैं फिर उनके साथ मैं कॉन्सर्ट वगैरह करती रहती थी। उसके बाद शंकर जी से, हाँ शंकर जी से मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला है, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो कैसे हुआ। तो बस फ़ोन पे मैं उन्हें फ़ोन घुमाती रहती थी, वो बोलते थे कि कॉल मी आफ्टर नेक्स्ट वीक, कॉल मी आफ्टर 1 month, आई एम नॉट इन टाउन, आई एम इन अमेरिका, आई एम देयर, आई एम देयर। सो जब जब वो मुझे बोलते थे मैं उन्हें कॉल करती रहती थी कंटिन्यूसली। तो कुछ एक साल तक फ़ोन वोन चलते रहा, एक साल के बाद फाइनली आई मेट हिम एंड मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया गया था, तो शंकर सर ने कहा कि अगर आपका डेमो हो तो आप दे दो। तो मैंने कहा सर मेरे पास डेमो बनाने के लिए पैसे भी नहीं, तो आप जो भी मतलब मैं 5 मिनट दीजिए, मैं आपको ऐसे ही सुना देती हूँ। तो मैंने उनको गाना सुनाया 5 मिनट के अंदर और वो चैम्पियन वाला सॉन्ग सुनाया मैंने उन्हें, और एक पंजाबी एक सॉन्ग है उसका एक एडलिप जो मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मैंने पंजाबी एक एडलिप सुनाया उनको। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए शंकर सर मुझसे और उन्होंने कहा कि ऋतु आई डेफिनेटली कॉल यू, जो भी कुछ होगा मैं तुम्हें बताऊँगा एंड मैं तुम्हारा नंबर भी सेव कर लिया हूँ। तो बस वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था और फाइनली फिर कुछ चार, हाँ फिर उसके बाद जब मैं उनसे मिलके मेरा मीटिंग ख़त्म हो गया फिर से कॉल चालू हो जाता मेरा नेक्स्ट वीक, फिर कभी 15 days में, क्योंकि कुछ काम तो था नहीं, तो मैंने कहा अभी यही करते हैं। तो वो एक टाइम पे वो एक स्ट्रगल बहुत अच्छा रहा। और फिर एक दिन शंकर सर कुछ कंपोज कर रहे थे तो उसी दौरान मेरा कॉल पहुँच गया, मतलब वो एक बाई चांस ऐसा हुआ कि मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल पिक किया और उन्होंने कहा अरे तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझे चैम्पियन वाला सॉन्ग सुनाया था ऋतु, मैं एक्चुअली कुछ गाना बना रहा हूँ तो कल कैन यू कम टू द स्टूडियो। मैंने कहा वाई नॉट सर, मैं तो वेट कर रही थी आप मुझे कब बुलाएंगे। सो नेक्स्ट डे मैं पहुँच गई और उन्होंने कहा, उन्होंने पहले मुझे क्लियर कर दिया था कि तुमसे ट्राई करेंगे गाना, अगर डायरेक्टर को पसंद आएगा तो तुम्हारा वॉइस रखा जाएगा। मैं गई, मैंने गाया और वो गाना था वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएंगे, नोटी 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 रात आई तू है मैं हूँ एंड लॉट्स ऑफ तन्हाई, नोटी 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 रात आई
तू है मैं हूँ एंड लॉट्स ऑफ तन्हाई ड्रामा ये भारी पड़ गया लव में कांटा गड़ गया जाने कब तक सताएगा वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा और पापा जग जाएगा से मेरी किस्मत भी जाग गई और पापा को स्पेशली मतलब जब वो गाना मेरा ऑन एयर हुआ तो वो रो पड़े थे और मैं खुद मेरा भाई सो बहुत बहुत ज़्यादा मेमोरेबल सॉन्ग था। पार्टी तो नहीं किया क्योंकि मैं पार्टी कर नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं ज़रूर मैं वापस गई और उस टाइम पे मेरे भाई की शादी की बात चल रही थी तो मैंने कहा था जब मेरा एक गाना आ जाएगा तो मैं मतलब तुम्हारी शादी में मेरा गाना बजना चाहिए तो जब तक गाना नहीं आएगा तो तुम शादी नहीं करोगे तो वो शादी की बात चल रही थी और वो जैसे ही गाना आया तो उसकी शादी भी मतलब खटखट करके हो गई सो बहुत अच्छा रहा एंड मेरे लिए पता नहीं ये इतना मेमोरेबल गाना है और मेरे हर गाने मेरे लिए मेमोरेबल हैं सो सेलिब्रेट बस शादी में किया और जब हम वहाँ गए तो हमने काफ़ी वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा मैं डांस किया और सब फ्रेंड्स के साथ सब फैमिली मेंबर्स जी हाँ उसके बाद मेरी मैं प्रीतम सर के लिए भी मतलब मैं सॉन्ग्स ट्राई करती रहती थी तो उस दौरान मेरा एक गाना आया था हाँ हाउसफुल के बाद हेलो डार्लिंग आ गई कुछ 3 महीने के बाद तो उसमें मैंने एक फर्स्ट सॉन्ग था मेरा प्रीतम सर के साथ जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है और वो मेरे ऊपर काफ़ी सूट करता है सो वक्त नहीं है प्यार का वक्त नहीं इकरार का वक्त नहीं है प्यार का वक्त नहीं इकरार का नो कॉल्स नो एसएमएस अ मैन फॉर जस्ट बिजनेस हमें फुर्सत है कहाँ वी आर वर्किंग गर्ल्स वी आर वर्किंग गर्ल्स वी आर वर्किंग गर्ल्स वक्त नहीं है प्यार का वर्किंग गर्ल के बाद थैंक यू मूवी आई थी थैंक यू मूवी में मेरा एक बहुत बड़ा गाना था मल्लिका श्रावत पे रजिया गुंडों में फंस गई एंड इसके कंपोज़र थे प्रीतम सर सो बहुत 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 अच्छा लगा मुझे जब मैंने उनके लिए सॉन्ग रिकॉर्ड किया पहले था अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी कि हाँ कि अभी गाड़ी तो अपनी चालू हो गई है सो अभी शंकर जी से रिलीज़ हुआ अभी प्रीतम सर से एक रिलीज़ हुआ तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था मुझे लेकिन कहीं ना कहीं एक बात माइंड में थी कि अगर एक गाना आया फिर दूसरा नहीं आया फिर तीसरा नहीं आया सो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती थी लेकिन हाँ भगवान ने मुझे मैं पहले बस मैं यही सोच रही थी कि एक गाना मिल जाए अब फिर वो हो जाता है ना लालच बढ़ने लगा था तो रजिया गुंडों में फंस गई आया उसके बाद फिर अगेन प्रीतम सर ने मुझे एक्शन रिप्ले में गवाया छान के मोहल्ला सारा देख लिया सुनिधि चौहान जी के साथ मैंने ये डुएट सॉन्ग गाया था जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बाद जो मेरा हाईलाइट सॉन्ग था फाइनली मतलब जिनसे मैं मिली थी आके आनंद राज आनंद सर आई एम रियली रियली थैंकफुल टू आनंद राज आनंद सर प्रीतम सर शंकर जी सो आनंद जी से मुझे जलेबी बाई मिला जिसने मेरी लाइफ का मतलब एक अलग ही रुख बदल दिया और जो मेरा सबसे बड़ा हाईलाइट और जो सबसे बड़ा हिट है अभी तक का वो जलेबी बाई सॉन्ग चा 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 चिकने हाय चिकने मुझ पे फिसल गए का 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 कितने हाय कितनों के दम निकल गए हाय तौबा क्या होगा जो होगा सो होगा सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम नाम जलेबी बाई आनंद जी डिड फैबुलस जॉब इन दिस नाम तो वो बहुत अच्छा था देखिए सबसे पहले तो मेरे लिए गाना मिलना बहुत बड़ी बात होती है और मतलब जिस चीज़ के लिए मैं बॉम्बे आई थी मतलब वो सब सपने मेरे पूरे हो गए और सपने तो काफ़ी हैं लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट था प्लेबैक सिंगर बनना पापा को मुझे एज प्लेबैक सिंगर बनते हुए वो देखना चाहते थे तो वो मतलब एक चीज़ माइंड में होती है कि हाँ बहुत कुछ मिल गया है एंड इतने 7 सालों में
इतने गाने हैं मेरे हाथ में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आइटम सॉन्ग्स, या आइटम सॉन्ग्स स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बहुत वर्क करते हैं। जब ऑडियंस चिल्लाती है एंड दे पीपल लाइक, वैसा होता है ना ये यू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आइटम सॉन्ग में आप परफॉर्म भी अच्छे से कर सकते हैं, और खुशी के मौके में आइटम सॉन्ग बजते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाकी हाँ, मेरी जो दिली तमन्ना है, सेमी क्लासिकल मैं गाना चाहती हूँ, मैं रोमांटिक गाना चाहती हूँ, मैं सूफी काइंड ऑफ सॉन्ग्स, मतलब मैं कुछ भी गा सकती हूँ, सब तरीके के गाना गाना चाहती हूँ और सबके लिए काम करना चाहती हूँ। मैंने तेलुगू में गाया है, उड़िया में गाया है, बंगाली में गाया है और पंजाबी में गाया है। तो एक पंजाबी गाना जो था, बहुत सॉन्ग था, आनंद जी, आनंद राज आनंद सर ने कंपोज़ किया था, सॉन्ग था लाइन्स ऑफ पंजाब। मैं ते करी ना ठीक जट्टा तू नहीं लगदा सैफ, मैं ते करी ना ठीक जट्टा, ओ जट्टा, ओ जट्टा तू नहीं लगदा सैफ। तेलुगु में अड्डा मूवी आई है अभी, अड्डा मूवी का ये गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक सॉन्ग है। सो उसकी दो लाइन डेफिनेटली, ए उलाला उलाला उपेस्ता उयाला, तू ही तो मेरा दिल वाला, कर दे गुंडे ले रे पाबे गोला गोला, वस्त्र लुक लो फिदा आइकोया, रेंडु सार के पक्का फिक्स आया, तू है मेरा साथिया, ना कंपनी नीकु ओके या, ओलांटे ने बिको आस स्पाइसी मंदाल को मत पुता ना ना ना, परेशान चेसिस्ता ओ पापा, निन्नु परेशान चेसिस्ता ओ पापा, परेशान चेसिस्ता ओ बाबू, निन्नु परेशान चेसिस्ता ओ बाबू। ये भी एक गॉड गिफ्ट है, मैं हिंदी में लिख के डब करती हूँ और जितना होता है कि मतलब उसको नेचुरली गा सकूँ, मतलब लगना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे आती नहीं है लैंग्वेज, तो मैं हमेशा, एंड ये सब एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो मैंने पहले से भी, मैं गाते आ रही हूँ तो वो गाते गाते मुझे रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई गाना अटेम्प्ट करते हो तो रियाज़ बहुत वर्क करता है और आपके सुर पक्के होते हैं रियाज़ करने से, और जितनी एनर्जी जो रियाज़ करने से गाने में आती है तो वो रियाज़ बहुत वर्क करता है। और जितने भी पुराने लोग हैं, लता जी हैं, आशा जी, इतने सब बड़े बड़े सीनियर सिंगर्स हैं, सब लोग रियाज़ करते थे, तो रियाज़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कभी सोचा नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोई गाना रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं यही सोच के गाती हूँ कि कोई एक्ट्रेस तो कोई बड़ी होने वाली है, तो क्या मुझे दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती है और माधुरी दीक्षित मेरी बहुत फेवरेट है, सभी बहुत अच्छे हैं। विद्या बालन मुझे बहुत पसंद है, वो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। अक्षय सिन्हा पे बहुत 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 दिन से ख्वाहिश थी कि उनके लिए कुछ प्लेबैक करूं, तो वो जो गंदी बात पे जो वो पार्ट आता है, ABCD पढ़ ली बहुत, तो मैं जब वो, मुझे पता लगा कि वो सोनाक्षी सिन्हा उसमें लिपसिंग कर रही हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिन से माइंड में था कि उनके लिए कुछ प्लेबैक किया, एंड फाइनली आई डिड इट। ऐसे क्यों 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 करता तू 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 मुँह पे थू 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 प्यार में, जब से हो ले लकी की इन टू 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 प्यार में, ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडियां है भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। कर गया 420 तुझको देख के दिल ये जालिम, 365 दिन में एक दिन तू तो मिले, कर गया 420 तुझको देख के दिल ये जालिम, 365 दिन में एक दिन तू तो मिले, गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जाना साहस गई, गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जाना साहस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रसिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रसिया गुंडों में फंस गई, ओ अल्लाह बचाए तेरी जान कि
रजिया गुंडों में फंस गई।